अश्वगंधा का प्रयोग आयुर्वेदिक इलाज में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में विशेष रूप से किया जाता है। अश्वगंधा के काफी सारे फायदे होते हैं और इन्हीं फायदों की वजह से बहुत सारे लोग अश्वगंधा का प्रयोग लगातार करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अश्वगंधा के आपको तीन ऐसे फायदे बताऊंगा जिनकी वजह से सबसे ज्यादा अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो अश्वगंधा का जो सबसे पहला फायदा है वह आपकी जनरल हेल्थ के लिए है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को बल्य औषधि कहा गया है, यानी यह आपके शरीर में ताकत लाने वाली होती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो यह आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जो आपकी सातों धातुएं होती हैं, उनका पोषण करने वाली होती है, उनको बल प्रदान करने वाली होती है, उनको ताकत देने वाली यह औषधि होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे ब्रह्मण औषधि कहा गया है, यानी यह शरीर को बढ़ाने वाली औषधि होती है, शरीर का वजन बढ़ाने वाली होती है और विशेष रूप से मांस धातु को बढ़ाने वाली होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को बनाने का कार्य करते हैं, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं और उसके लिए कई तरह के पाउडर सेवन करते हैं। जो भी लोग आयुर्वेदिक पाउडर सेवन करते हैं उनमें अश्वगंधा का प्रयोग ज्यादातर में मिलता है। अश्वगंधा आपकी मांस धातुओं को यानी मांसपेशियों को मजबूत करने वाली होती है। इसके अलावा अश्वगंधा को रसायन औषधि कहा गया है, यानी यह आपके शरीर में जाकर आपकी एज को यानी उम्र को बढ़ने से रोकती है, एंटी एजिंग इफेक्ट यह लाती है। इसके अलावा यह आपकी याद करने की क्षमता को भी बढ़ाती है, याददाश्त को भी यह बढ़ाने वाली होती है। जिन लोगों को उम्र से पहले ही भूलने की बीमारी आने लगती है, शरीर कमजोर महसूस होने लगता है, उनके लिए अश्वगंधा विशेष रूप से फायदेमंद होती है, विशेष रूप से उपयोगी होती है। अश्वगंधा का जो दूसरा फायदा है वह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए है, आपकी दिमागी विकास के लिए, दिमागी ताकत के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, या बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं। इस तरह के सभी लोगों के लिए अश्वगंधा विशेष रूप से फायदेमंद है, विशेष रूप से उपयोगी जड़ी बूटी होती है। कई क्लिनिकल रिसर्च अश्वगंधा के ऊपर इस तरह की हुई हैं जिनमें तनावग्रस्त लोगों को अश्वगंधा का सेवन कराया गया है, उनको अपने तनाव से लड़ने में, स्ट्रेस को कम करने में विशेष रूप से लाभ मिला है। इसके अलावा स्टडीज में यह भी देखा गया है कि अश्वगंधा का सेवन करने से जो सीरम कोर्टिसोल का लेवल होता है वह कम होने लगता है, जिसके कारण अपने आप व्यक्ति तनाव से मुक्ति पाने लग जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद कम आती हो, नींद की कमी रहती हो, रात भर सो नहीं पाते हो, ऐसे लोगों के लिए भी अश्वगंधा विशेष रूप से उपयोगी है। आयुर्वेद में इसे मस्तिष्क शामक कहा गया है, यानी यह आपके मन को, आपके चंचल मन को कंट्रोल करने वाली होती है, आपके दिमाग को शांति प्रदान करने वाली होती है, जो मन में उथल पुथल मची रहती है उसको शांत करने में यह आपकी मदद करती है। अश्वगंधा का जो तीसरा फायदा है वह आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए है। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी बाजीकारक औषधि है। बाजीकरण के लिए अश्वगंधा का प्रयोग विशेष रूप से ज्यादा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति भी बाजीकरण के लिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करते रहते हैं। अश्वगंधा में शुक्र धातु को पोषण करने का गुण पाया जाता है, शुक्र धातु को बढ़ाने का गुण पाया जाता है। यह आपकी शुक्र दौर्बल्य की समस्या को कम करने में विशेष रूप से सहायक होता है। जो भी लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित रहते हो, जो भी लोग प्रीमेच्योर इजेकुलेशन से परेशान रहते हो, या कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिबिडो कम हो जाता है, जिन्हें काम क्रीड़ा की इच्छा खत्म होने लगती है, इस तरह के सभी लोगों के लिए अश्वगंधा विशेष रूप से फायदेमंद है, विशेष रूप से उपयोगी जड़ी बूटी है। इसके कई और अन्य तरह के लाभ भी होते हैं। तो कुल मिलाकर अश्वगंधा के जो तीन मुख्य फायदे होते हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप अश्वगंधा का या किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करना चाहें तो अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से अवश्य ही सलाह ले लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।